जय श्री राम। मेरे परम प्रिय भाई बहन, अपने परिवार के कई भाई बहनों के कहने पर आज मैं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के विषय में कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। लोगों की इच्छा है कि अपने हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दिया जाए, तो उसमें कोई बात नहीं है। शास्त्रों में तो आया है कि जान हो अनजान हो, किसी की शव यात्रा में जितना कदम आप चलते हैं उतना एक विशेष यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के पहले हमारे श्री रामलला के मुक्ति आंदोलन में 500 वर्ष पूर्व से लेकर के अभी तक के समय में कुठारी बंधु तक जितने भी भाई बंधु बहने भगवान को प्यारी हो गई, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। अपने पूरे हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से निश्चित ही वो सभी भगवान के धाम में होंगे। और उसके बाद में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भी भगवान सदगति दें, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। मेरे भाई बहन, कोई भी व्यक्ति संसार में अगर वो सम्मानित है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे राजनेता है, चाहे अभिनेता है या समाज सेवक है, निश्चित ही वो बहुत पुण्यशाली है। उसने सत्कर्म अवश्य किया था। भले ही कई राजनेता, कई लोग आपकी दृष्टि में बहुत समृद्ध है, पर उनका जीवन अच्छा देखने में हमें नहीं लगता है, तो उसका यह है कि पहले उन्होंने किया था जो आज प्राप्त कर रहे हैं, और इस समय भी अगर वो अच्छा करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त करेंगे, नहीं तो इसी जन्म में जय जय श्री राम सब मिटा करके चले जाएंगे। रही बात सुशांत सिंह राजपूत जी की, तो एक मैं शो करता था जी टीवी के लिए, यहाँ मैं घर घर खेली और जी टीवी का ही एक पवित्र रिश्ता शो आता था, तो हमारा ये लास्ट एपिसोड चल रहा था, उसी में पवित्र रिश्ता और यहाँ में घर घर खेली का सम्मिश्रण किया गया था। यहाँ में घर घर खेली के सेट पर जो है सुशांत सिंह और पवित्र रिश्ता के जो मेन मेन कलाकार वो आए थे, दो दिन का शूट था और हमारा उनका भी पाला पड़ा, पर उनके साथ हमारा कोई सीन नहीं था, कोई हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ दो दिनों के अंदर में 4-5 बार हमारी स्माइल जरूर हुई जब भी हम सामने पड़े या ऐसे हुए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरा मीडिया उस समय वहां रहते थे। दोनों शो के काफी बड़े सम्मानित और लोकप्रिय कलाकार लोग साथ में थे, पर उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मीडिया का नजर सुशांत सिंह के ऊपर लगी हुई थी। तब तक उनकी फिल्म भी नहीं आई थी, काय पूछे। अब बात करते हैं जो घटना घटी है, इसमें देखा जाए अंकिता लोखंडे जी के प्रति इनका जो सच्चा प्रेम था, अथवा उनका जो सच्चा प्रेम था, जो आप लोग तमाम सारे चैनल के माध्यम से देखते होंगे, वो तो भगवान ही जाने, पर हमें भी लगता है कि अंकिता जी का नेह बिल्कुल विशुद्ध था, जो आज भी हर घड़ी देखने को प्राप्त होता है। लेकिन सुशांत जी ने उनके नेह को समझ नहीं पाए, संवार नहीं पाए, और अनावश्यक लेबर में फंसते चले गए, और इस तरह की स्थिति हमारे आपके सामने देखने को प्राप्त हुई। भगवान न करे किसी के लिए भी ऐसी दुखद मृत्यु ना हो। चूंकि मैं फिल्म लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छा फिल्म कौन कहे, सीरियल में भी एक अच्छा काम पाने के लिए लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, काम भी पाते हैं पर कोई उनको जानता भी नहीं है। और यही नहीं, सुशांत सिंह के टैलेंट को मैं कम नहीं कह रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड है, पर उनके पैरेलल लोग भी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं जो एक अच्छे सीन के लिए तरस रहे कि एक अच्छी फिल्म में हमें एक अच्छी सीन मिल जाए। उस दृष्टि से देखा जाए तो परिश्रमी के साथ में बहुत भाग्यशाली थे, जो बहुत कम समय में ही जो लोग पूरे जीवन में सम्मान पाते हैं, वो सम्मान बहुत कम समय में उनको अर्जित हो गया। इस घटना से बॉलीवुड प्रेमी नहीं, सभी आम जन भी बहुत दुखित हुए हैं, और उसका प्रकृति पर भी असर हो रहा है, और भरोसा है कि प्रभु कृपा से आज नहीं कल जो भी अपराधी है वो निश्चित जो है अपने पापों के कारण सम्मुख आ ही जाएगा। हमें यहाँ कई तरह की सीख मिलती है कि जो भी भगवान ने हमें दिया है उसे हमें संभालना भी आना चाहिए। दूसरी बात, किसी का अगर हम पे 100% भरोसा है तो उस भरोसे पर हमें खरा उतरना चाहिए। एक देशी कहावत है, कई बार मैंने कहा भी है, धन बाढ़े रोवे चार, घर घोड़ी उपरोहित नाग। जब व्यक्ति धनी हो जाता है तो सबसे पहले अपने घर को तोड़वा डालता है, उसके बाद में घोड़ी मतलब जो उसकी घोड़सवारी होती थी, आज के समय में गाड़ी की बात करेंगे उन गाड़ियों को रिजेक्ट करते हुए नई नई गाड़ियां आने लगती हैं। और जो आपके पुरोहित हैं, हो सकता है कोई पुरोहित कम जानकार हो तो भी उनको वही सम्मान देना चाहिए। तो सबसे पहले कहते नहीं, जो सबसे बड़े पंडित जी हैं, जो बड़े चैनल में आते हैं, उनको लेकर के आओ। और नारी, नारी मतलब विशेष करके यहाँ पत्नी है,
पर वो सभी देवियों के ऊपर में पड़ता है। मेरे भाई बहन, संसार में एक अच्छा मित्र मिलना बहुत ही कठिन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, या स्त्री स्त्री हो, पुरुष पुरुष हो, या किसी भी प्रकार के लोग हो। अगर हमें सच्चे मन से कोई हमारा मित्र हमें सम्मान दे रहा है तो हमें भी उसी सच्चाई से उसका साथ देना चाहिए। अगर हम उतना ना भी दे सकते हैं तो उसे कष्ट हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमें सीख यहाँ पर प्राप्त होती है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, वो हमारे प्रेम में नहीं, हमारे वैभव में, हमारे सम्मान में, हमारे दुनियादारी को देख करके हमसे आकर के जुड़े हैं। इसीलिए संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं, अटल जी से लेकर कलाम साहब से लेकर के हजारों उदाहरण हमारे आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद जी का भी और भी पचासों उदाहरण है, जो अपने लोगों को कभी नहीं भूले हैं, अपनी मूलभूत चीजों को कभी नहीं भूले हैं और आज तक याद किए जाते हैं। भगवान करे कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, जो पूरा संघर्ष करके ये मुकाम को प्राप्त हुआ हो, अथवा वैसे भी हो, किसी की भी जो है असमय मृत्यु ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा अधिक उसके माता पिता परिजन और आप जैसे प्रशंसकों को बहुत ही कष्ट होता है। इसी निवेदन के साथ विदा लेता हूँ। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, क्यों मेरा मन बा बोले, क्यों मेरा मन बा बोले।